सो गाइस अभी लड्डू बन रहे हैं। कौन से चूरमा के लड्डू बनने वाले हैं और कितने लोगों के लड्डू बनेंगे? 300 से 400 लोगों के लड्डू बनने वाले हैं। सो अभी आटा भी डाल दिया है, ऑयल भी डाल दिया है, अभी पानी भी डलेगा और शक्कर भी डलेगी और जबरदस्त लड्डू बनने वाले हैं। कल जो प्रोग्राम होने वाला है 300-400 लोगों का, उसके लिए सब तैयारी हो रही है अभी फिलहाल। और अपना मोबाइल जो था वो बंद है, इसीलिए मैं दूसरे फोन में से शूट कर रहा हूँ और ये व्लॉग भी आपको लास्ट में देखने को मिलेगा और जबरदस्त बनेगी। अभी दिखाता हूँ मैं बाद में आपको सारी चीज। अभी गए सारे लोग बैठे हैं और मजे ले रहे हैं अपने अपने काम का और अभी प्लानिंग चल रही है सारी काम चीज की। सो अभी थोड़ी देर सारे फैमिली मेंबर अलग अलग आए हुए हैं, कोई अंकल है, कोई भैया है, सारे लोग हैं। सो अभी फिलहाल मजे करते हैं। जब मैं यहाँ पे घर पे पहुँच गए हैं और ये मेरे अंकल है और ये आंटी को आप मिले होंगे और ये सूरत से आए हुए हैं, मेरा व्लॉग बना रहे हैं अभी फिलहाल तो। और ये अपनी मशीन है जो पीसना है अपने को आटा, वो सारी चीज लड्डू बनाने के लिए। चूरमा का लड्डू बनने वाला है जबरदस्त और इसमें काजू बादाम ड्राई फ्रूट आने वाला है और बहुत ही मजा आने वाले है लगातार। सो फिलहाल अभी सारे लोग मेरी मजा ले रहे हैं और मैं उनकी मजा ले रहा हूँ क्योंकि ये डेली व्लॉग देखते हैं। और फिलहाल ये मशीन लेके मैं ये सनेडे में आया हूँ पहली बार, क्योंकि मुझे इतना आता नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई किया है यहाँ पे। और ये गांव में है तो गांव में लेके घूम रहा हूँ, वो भी फिलहाल तो सीख रहा हूँ वो सारी चीज। और ये सब अंकल के घर है, अड़ोस पड़ोस में सब जगह पे पूरा गांव में अंकल अंकल ही है। सो गाइस इसका मुठिया बन गया है और ऑयल में फ्राई हो चुका है और जबरदस्त अभी इसका पीछा जाएगा इसमें और इसमें से पूरा आटा जैसा निकलेगा और फिर उसका चूरमा वाला लड्डू बनेगा। ये चूरा करने के लिए मशीन ला दिया है और ये जबरदस्त लग रहा है, मैं अभी टेस्ट किया है और दाल बाटी टाइप ही लग रहा है, पूरा दाल बाटी खा रहे हैं उसमें ऐसा ही इसका टेस्ट आ रहा है। लेकिन इसका लड्डू बनेगा जो कल के लिए बनेंगे, कल सारे लोग आने वाले हैं उसको ये खिलाने में देने वाले हैं। सो बहुत सारे आइटम बनने वाले हैं, अभी फिलहाल लड्डू ही आज ही बनाएंगे, बाकी सारी आइटम कल ही बनेगी। तो गाइज ये रेडी हो गया चूरा पूरा और इसमें पाउडर वाला है जो ये वाली शुगर, तो इसका पाउडर ही है और साथ साथ में है काजू बादाम और किशमिश और किशमिश जबरदस्त। तो अभी ये सारी चीज मिक्स होंगे और मस्त बनेंगे लड्डू। और ये जो दादाजी है वो हमारे गांव में सारे लोगों का जो प्रसंग होता है, कुछ भी होता है, वो खाना पीना वही सब बनाते हैं, अलग अलग वेराइटी सब, और जो भी जहाँ पे भी प्रसंग होता है वहाँ पे वो बनाते हैं और मस्त उनका खाना पीना टेस्ट रहता है। और फिलहाल अभी लड्डू बनेंगे और देखते हैं कैसा बनते हैं। लड्डू ऑन प्रोसेस, देख सकते हो जबरदस्त लड्डू बन रहे हैं और ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, आई डोंट नो। और यहाँ पे खसखस खसखस डाल रहे हैं जबरदस्त। और ऐसे लड्डू को जोर से फेंका जाता है फिर भी नहीं टूट रहा है, इतना मजबूत है, देखो जबरदस्त। फिलहाल गाइस अभी सारे फैमिली मेंबर बैठे हैं और सारी चीज हो रही है, बातचीत हो रही है, सब मजे ले रहे हैं और कल जो पूजा होने वाली है उसके लिए सब तैयारी हो रही है और सारे लोग दे रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ देना होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि बहन जो बहन बेटियां है उसको कुछ ना कुछ देना होता है, तो वो सब हम ले आए थे, मऊवा गए थे। तो सो अभी वो सारे लोग वो देख रहे कैसा है कैसा नहीं। तो अभी ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगा, लेकिन उससे पहले वो कहना चाहता हूँ कि कल हमारे घर पे प्रसंग है, उसमें ऐसा है कि पाशम होती है ऋषि पंचमी, तो उसका पूरा काम का चल रहा है और उसके लिए 300-400 मेहमान आने वाले हैं जो हमारे गांव से भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और फिलहाल मेरा जो फ़ोन है वो टूट चुका है, जो एप्पल आईफोन था वो बंद हो चुका है, तो इसीलिए मैं व्लॉग उसमें शूट नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे फ़ोन में कर रहा हूँ और पूरा फ़ोन बंद है। तो आईफोन का यहाँ
पे आई विनस का कोई भी स्टोर नहीं है पूरे मोवा में, तो यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर भावनगर साइड है, तो वहाँ पे हम जाएंगे और एक दो दिन में, और वो फ़ोन ठीक कराऊंगा। आईफोन बंद हो गया है फिलहाल, तो अभी खुश भी अच्छे से खेल रहा है, सारी चीज़ हो रही है, लेकिन ब्लॉग आपको ये कल नहीं देखने को मिलेगा, एक दो दिन के बाद ये ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आधा शूट मैंने वो फ़ोन में किया था, आधा शूट इस फ़ोन में किया था, इसकी वजह से जब वो फ़ोन रिपेयर हो जाएगा उनके बाद ही आपको ये ब्लॉग मिलेगा, और साथ में आपको एक दो ब्लॉग ऑटोमेटिक साथ में देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल ये आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते आए, होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे नहीं आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोपाल आई ब्लॉग्स, बाय बाय टाटा सी यू। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मान ऑफ द ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सो फिलहाल अभी बज गए हैं 7 और सारी विधि अभी स्टार्ट हो चुकी है, और अभी पूजा थोड़ी करनी है, थोड़ा तो ड्रेसअप बदल गया है, धोती पहन ली है पूरी, सो कम्प्लीटली अलग ही लुक है थोड़ा, और अभी सारी विधि है तो मैं पूरा शूट नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, और बोल नहीं पाऊंगा, आपको बता नहीं पाऊंगा। सो अभी ये सारी चीज़ का कामकाज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा फ्रूट और वेजिटेबल लेने के लिए, क्योंकि आज सारा काम नाइट में खाने पीने का प्रोग्राम है, और ये सभी मेरे बड़े भैया हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। हाय, सो अभी जा रहे हैं मार्केट में, तो फिलहाल गाइस केले ले लिए है, 25 दर्जन लिए है, अभी फिलहाल हो जाएगा इतने से शायद, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए फराल की आइटम रखनी पड़ेगी, और बहुत सारे लोगों के लिए जो खाना पीना नॉर्मल होता है सब्जी रोटी वो सारी चीज रखना पड़ेगा। सो अभी सब्जी लेने के लिए तैयार है, और अपना जो प्रोग्राम है वो नाइट का है खाने पीने का, और अभी दोपहर के 12 बजे है, और अभी जाना है कीर्ति के घर पे, क्योंकि वहाँ पे भी यही सेम फंक्शन है, जो पंचमी होती है ऋषि पंचमी उनका कामकाज है, सो वहाँ पे भी पूजा पाठ है, तो दोपहर में हम वहीं जाएंगे, और शाम को रात को हमारे वहाँ पे है, और बहुत सारे हमारे रिलेटिव के वहाँ पे भी है, तो ये सारा पूजा पाठ अभी हो रहा है, और बाद में ये सारी चीज़ हम देखेंगे, और बहुत सारा मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि काम के लोड में, सो ये सारी चीज़ अभी होने वाली है, बाद में आपको सारी चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊँगा। सो अभी के लिए इतना ही, ए बाबा मातर मात की खड़ाई